दोस्तों ऑलरेडी ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू है जिनमें दो टेस्ट मैचेस खेले गए। उसके अलावा अब आखिरी टेस्ट मैच बाकी है, उसके बाद T20 और वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी, जो कि पहला वनडे मैच 29 मार्च को शुरू होगा। मोहम्मद आमिर भी इस प्रैक्टिस मैच में शामिल हो गए हैं और प्रैक्टिस शुरू कर दी। शॉन टेट जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, वो अब पाकिस्तान के हेड कोच बन चुके हैं, बॉलिंग कोच बन चुके हैं। और आमिर का आखिरी बयान भी आ गया, रमीज राजा भी मान चुके हैं, तो आमिर ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। आगे चल के वीडियो क्लिप दिखाते हैं आमिर का, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी आने वाली क्रिकेट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको पता चलें कि मोहम्मद आमिर जो कि बड़े बॉलर हैं, वो अब जो हैं वो पाकिस्तान टीम में खेलेंगे, क्योंकि शॉन टेट जो हैं वो पाकिस्तान के कोच बन चुके हैं। और आमिर ने कहा था कि जब जो है वो वकार यूनुस और मिसबा जाएंगे तो मैं पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लूँगा और पाकिस्तान टीम में खेलूँगा। तो अब T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप भी, उसके लिए मोहम्मद आमिर की वापसी होना बहुत ज़रूरी है। और अब वापसी होगी बहुत जल्द होगी, क्योंकि शॉन टेट आ चुके हैं पाकिस्तान कोचिंग में, तो वो सिफारिश करने लगे रमीज राजा से।